फकत इस डर से, रो नहीं पाता हूँ मैं फकत इस डर से कि धुलन जाए कहीं उसकी तस्वीर मेरी नजर से। बहुत बढ़िया, इसलिए रोना चाहते हो कि रो नहीं पाते। जानता हूँ उस बात को, इसीलिए आपको संबोधित किया है। मैं बड़े बड़े महारथियों ने बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर रचनाएं पढ़ी, मैं भी छोटी मोटी मेरी दुखबंदी पढ़ लेता हूँ आपके सामने। स्वागत है। पहले तो थोड़ा सा मैं व्यंग राजनेताओं पे भी कर देता हूँ, आज के संदर्भ जरूरी भी है। रिश्ता नया नया है, नई सी महक साथ है। रिश्ता नया नया है, नई सी महक साथ है। किसी के हाथ में कमल है तो किसी का कमल पे हाथ है। बात पहुंच गई होगी मेरा ख्याल है आप पहुंच गए। रिश्ता नया नया है, नई सी महक साथ है। किसी के हाथ में कमल है और किसी का कमल पर हाथ है। कौन साथ रहेगा और कौन छोड़ जाएगा साथ, कौन साथ रहेगा और कौन छोड़ जाएगा साथ, पता लग ही जाएगा बस चंद दिनों की बात है। 3 तारीख को पता लग ही जाएगा। बाढ़ कितना जजमान सामने आपका पड़ा है। तो मैं क्या वाईकाश राज को तो ठाकुर कहलाते हैं, ठाकुरों को एक सिस्टम है कि मर जाना कबूल पर दरिया नहीं खाना। तो मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ उसमें बात सुनी है मैंने, मर जाना कबूल पर दरिया नहीं खाना। तो मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ उसमें कमोबेश ये भाव आ जाएगा, इश्क में आप कुछ भी कर जाते हैं लेकिन ठकराई नहीं चलती। मैंने यहाँ भी ठकराई चलाने का प्रयास किया है लेकिन इसकी की कोमलता को भी बरकरार रखा है, सामने वाले का भला भी है। हम याद रहे तो ठीक, हम याद रहे तो ठीक वरना भुला देना। हम याद रहे तो ठीक वरना भुला देना, मिल जाए कोई बेहतर उसे अपना बना लेना। मिल जाए कोई, मैं तो अपने आप को तोपूंगा नहीं इसलिए, मिल जाए कोई बेहतर उसे अपना बना लेना। रहम की कोई दरख्वास्त नहीं लगाऊंगा कभी, रहम की कोई दरख्वास्त कभी लगाऊंगा कभी नहीं लगाऊंगा कभी। हो जाए गर गुना कोई मुझे उसकी सजा देना। हाजिर हूं मैं एक कोरे कागज की तरह, हाजिर हूं मैं एक कोरे कागज की तरह, कुछ लिख सको तो ठीक वरना जला देना। कुछ लिख सको तो ठीक वरना जला देना। मेरा आशियाना सलामत रहे कि उजड़ जाए, मेरा आशियाना सलामत रहे कि उजड़ जाए, तुम तो अपना आशियाना सजा लेना। फिक्र न करना मेरा सफीना डूब जाने की। क्या बात है सर, क्या बात है। फिक्र न करना मेरा सफीना डूब जाने की, तुम बस अपनी कश्ती को बचा ले, तुम बस अपनी कश्ती को बचा ले। न करेंगे तरके वफा हम तो ताउम्र, हम पलाय नहीं करेंगे इसको। न करेंगे तरके वफा हम तो ताउम्र, बेखौफ नहीं दुनिया तुम तो बसा ले। और रह लेगा ये शाम तो अंधेरे में भी, रह लेगा ये शाम तो अंधेरे में भी, तुम जब चाहो अपनी समा बुझा देना। तुम जब चाहो अपनी समा बुझा लेना। एक चार लाइनें और पढ़ना चाहूंगा। स्वागत सर। आदमी कई बार मुसीबतों से, हवादिसों से, तकलीफों से, दुश्वारियों से घिर के थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है। मेरी प्रकृति हालांकि अच्छी है नहीं लेकिन कभी कभी तो मानवीय कमजोरी आई जाती है। तो लिखा है कि तन्हाई के हालात रहेंगे कब तक, तन्हाई के हालात रहेंगे कब तक, रंजो कम मेरे साथ रहेंगे कब तक। वरुण जी और कुछ निकट परिचित लोग जानते भी हैं, इसका कारण भी जानते हैं। तन्हाई के हालात रहेंगे कब तक और रंजो गम मेरे साथ रहेंगे कब तक। लंबा हो चला है मौसम पतझड़ का, लंबा हो चला है मौसम पतझड़ का, बर्बादी के अलामात रहेंगे कब तक, बर्बादी के अलामात रहेंगे कब तक। कब महकेंगे गुल इस वीरान गुलशन में, कब महकेंगे गुल इस वीरान गुलशन में, खाली अपने हाथ रहेंगे कब तक, खाली अपने हाथ रहेंगे कब तक।
जो अपने थे वो सब छोड़ गए कभी के, जो अपने थे वो सब छोड़ गए कभी के, जिंदगी तू और मैं साथ रहेंगे कब तक, किसी दिन तो हकीकत मुजाहिर होगी, किसी दिन तो हकीकत मुजाहिर होगी, पोशीदा ये वाकियात रहेंगे कब तक, छुपे हुए कब तक रहेंगे, जो घटनाएं घटी हैं वो छुपी कब तक रहेगी, पोशीदा ये वाकियात रहेंगे कब तक, कब पीछा छोड़ेगी दुश्वारियां अपना, कब पीछा छोड़ेंगी दुश्वारियां अपना, और हवादिसों के जिन्नात रहेंगे कब तक, हवादिसों के जिन्नात रहेंगे कब तक, कब तक झेलता रहेगा तू इनको श्याम, कब तक झेलता रहेगा तू इनको श्याम, जिंदगी में ये झंझावात रहेंगे कब तक, जिंदगी में ये झंझावात रहेंगे।